अध्याय दो, पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज़, कुर्सी टेबल, मुस्कान, भाप आदि उदाहरणों में क्या आपको कुछ समानताएं या अंतर दिखाई देता है? आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप एक, एक ट्रफ या बाल्टी लें, उसे पानी से 3/4 भर लें। अब एक कांच का बीकर अथवा ग्लास लें, चित्र के अनुसार उसे उल्टा कर पानी डालें। क्या पूरे बीकर में पानी भर गया? क्या यह बीकर खाली है? अब इस बीकर पर लेजर टॉर्च से प्रकाश डालें। क्या प्रकाश की किरणें बीकर के अंदर जाती हैं? आइए अब हम समझने की कोशिश करें कि बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया तथा प्रकाश क्यों जा सका। बीकर में ऐसा क्या था जिसने पानी को अंदर नहीं जाने दिया? हम जानते हैं कि हवा, पानी, कुर्सी टेबल इत्यादि स्थान घेरते हैं। इसी कारण बीकर में उपस्थित हवा के द्वारा स्थान घेरने के कारण पानी बीकर में नहीं गया। आपने अनुभव किया होगा कि पानी से भरी बोतल खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है। किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। लोहे की कील, कुर्सी टेबल, भाप जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है स्थान घेरते हैं तथा उनमें द्रव्यमान होता है, जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता और न ही वे स्थान घेरते हैं। इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। चूंकि ढोलक की आवाज़, मुस्कान, प्रकाश में यह गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं हैं। अब आप बता सकते हैं कि हवा, पानी तथा प्रकाश में से कौन से पदार्थ हैं, कौन से नहीं। ध्यान रखें कि लेज़र टॉर्च का प्रकाश आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इसका उपयोग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें।